हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक एचवीएसी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसी और एचवीएसी इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छी तरह से समझेंगे एसी क्या होता है, एचवीएसी होता है क्या होता है, और दोनों का अलग अलग नाम क्यों है, क्या मतलब होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि जो एसी होता है एचवीएसी का ही एक पार्ट होता है। एसी का मतलब होता है एयर कंडीशनिंग और एचवीएसी का मतलब होता है हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ओके, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। एसी दैट मीन्स एयर कंडीशनिंग। पहले जो एसी आते थे उसमें केवल एयर कंडीशनिंग, केवल कूलिंग का ही काम रहता था एसी का, ठीक है। लेकिन इस टाइम अभी जो एसी आ रही है उसमें दोनों चीज़ें आ रही है, कूलिंग भी कर सकता है समर सीजन में, विंटर सीजन में हीटिंग भी कर सकता है। तो आज के ज़माने में जो आ रहा है एसी वो दोनों के लिए आ रहा है, ठीक है। विंटर सीजन में भी यूज कर सकते हैं, समर सीजन में भी यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। उसमें एक बेसिकली एक रिवर्सिंग वाल्व आता है जो रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है उसको उल्टा कर देता है। कंप्रेसर क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है उसको डायरेक्ट कंडेंसर में ना भेज के वो सीधा इंडोर पर भेजता है, ठीक है। और इंडोर में हीटिंग प्रोवाइड करता है और आउटडोर पे कूलिंग प्रोवाइड करता है विंटर सीजन में। तो बेसिकली यही सिंपल सा फंडा है इसका कि जो एक रिवर्सिंग वाल्व लगा होता है वो रेफ्रिजरेंट फ्लो को उल्टा रिवर्स कर देता है, इसलिए उसको रिवर्सिंग वाल्व करते हैं, उसमें लगा होता है। तो बेसिकली एसी एचवीएसी का एक पार्ट है। और एचवीएसी हीटिंग, इसमें क्या है, हीटिंग भी कर सकता है, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग भी कर सकता है, हीटिंग भी कर सकता है, और वेंटिलेशन के बारे में थोड़ा डीपली आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, जो वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेशन मीन्स होता क्या है कि हमारा कोई बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग में लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ओके। और उस एरिया में कोई फ्रेश एयर के लिए कोई ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे कि फ्रेश एयर वहाँ पर कंटिन्यू पहुँचता रहे, ओके। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस एरिया में जो लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं इस एक एरिया में, और उसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा कि डाउन होने लगा, धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो लोग वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर इफ़िशेंटली काम नहीं कर पाएंगे, सफोकेशन फील होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में वेंटिलेशन यूज होता है, और एक यूनिट यूज होता है फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, ओके। उसमें होता क्या है कि बाहर से एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है उस एरिया में, ओके। एक तो ये सिनारियो हो गया। दूसरा सिनारियो ये होता है कि किसी एरिया में जैसा कि फ्यूम्स बन रहे, ठीक है, जैसे टॉयलेट में आपने देखा होगा कि वहाँ पे ऐसी स्मेल आती है, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ से स्मेल और धुआं आ रहा है, ठीक है, स्मोक आ रहा है, तो उस एरिया से होता क्या है कि उस एरिया से एयर को बाहर निकालने की भी ज़रूरत होती है, तो उस टाइम एग्जॉस्ट यूनिट भी लगाया जाता है, ओके। इन चीज़ों को जो आप देख सकते हैं, एग्जॉस्ट करना और फ्रेश एयर प्रोवाइड करना, इस चीज़ को हम वेंटिलेशन बोलते हैं। आई होप वेंटिलेशन आपको समझ आ गया होगा। फ्रेश एयर प्रोवाइड करना उस एरिया में और किसी एरिया से या फिर उसी एरिया से एग्जॉस्ट करना, ओके, ये वेंटिलेशन कहलाता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि जो एसी होता है, एसी स्मॉल एरिया के लिए यूज होता है, घरों में, ऑफिस के लिए, ठीक है। लेकिन जो एचवीएसी होता है, एचवीएसी एक्चुअली सेंट्रलाइज एसी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज एसी होता है, इसमें अलग अलग पार्ट्स लगे होते हैं, ठीक है, कूलिंग टावर, चिलर्स, एयर हैंडलिंग यूनिट, सीलिंग सस्पेंडेड यूनिट, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट, सेंट्रलाइज एसी, ठीक है। सेंट्रलाइज एसी मतलब एक जगह पर इंस्टॉल है और उस एरिए से बहुत सारे लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है डक्ट के द्वारा, ठीक है, और वहाँ पे कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली डक्ट के द्वारा इसको कूलिंग प्रोवाइड किया जाता है किसी एरिया में। तो ये होता है एचवीएसी। और एसी और एचवीएसी में बेसिकली एचवीएसी यूज होता है लार्ज एरिया के लिए, एसी यूज होता है स्मॉल एरिया के लिए, ओके। सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा कि एसी और एचवीएसी इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।